नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। मौजूदा वक्त में सियासत में सड़क छाप भाषाओं की बौछार हो रही है। बीजेपी में अगर रमेश बिदूड़ी हैं तो कांग्रेस में उदयभान जैसे नेताओं की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस की घटिया बयानबाजी लगातार जारी है और इस बार हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने मोर्चा संभालते हुए प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर टिप्पणी करते हुए हदें पार कर दी है, सारी सीमाएं पार कर दी है। बयान इतना द्वयम दर्जे का है जिसे सुनाया भी नहीं जा सकता, जबकि इतिहास गवाह है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की तरफ से अपमानित किया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी को सियासत में इसका फायदा मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत हो चुकी है? क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले सोचना नहीं चाहिए? और क्या उदयभान का बयान रमेश बिदूड़ी के बयान का काउंटर है? सब एक एक कर आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले पर इंडिया न्यूज जनता के बीच गया। जनता के बीच जाकर उसने सर्वे किया और सर्वे में यह पूछा कि राजनेताओं की भाषा कैसी है। तमाम सारे सवाल हमने पूछे हैं, आपके सामने एक एक कर सवाल आएंगे और देखिएगा कि जनता ने उस पर अपनी राय क्या दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, आपकी राय क्या है? बेहद शर्मनाक बयान 25% लोग मानते हैं। प्रधानमंत्री का अपमान 26.67% लोग मानते हैं। देश का अपमान 43.33% लोग मानते हैं और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 5% लोग मानते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री खट्टर वाले बयान के बाद उदयभान पर क्या एक्शन होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस इन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए 11.67% लोग मानते हैं। कांग्रेस पार्टी से इनका निलंबन किया जाए 13.33% लोग मानते हैं। कांग्रेस पार्टी से इनकी सदस्यता खत्म की जाए 10% लोग मानते हैं। कानूनी कार्रवाई की जाए 43.33% लोग मानते हैं और 21.67% लोग कहते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है। लेकिन एक बड़ी आबादी, लोगों की बड़ी राय, वो कहती है कि जनाब कार्रवाई तो होनी चाहिए। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि संसद से लेकर सड़क तक नेताओं की जुबान पर गाली वाले बोल पर बवाल मचा हुआ है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए 28.33% लोग मानते हैं। मानहानि का मुकदमा चले 18.33% लोग मानते हैं। राजनीतिक पार्टियों से बेदखल किया जाए 25% लोग मानते हैं। पार्टी या सरकार में इन्हें कोई भी पद ना दिया जाए 21.67% लोग मानते हैं और 6.67% लोग कहते हैं कि हम कुछ इस मसले पर कह नहीं सकते। चौथा सवाल, हमने जो सर्वे किया उसका चौथा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे शर्मनाक बयान आप किसे मानते हैं? हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की गाली वाली टिप्पणी 40% लोग मानते हैं। मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने जो बयान दिया 1.67% लोग मानते हैं। चौकीदार चोर है राहुल गांधी ने कहा था 25% लोग मानते हैं। और चाय वाला जो बयान दिया था मणिशंकर अय्यर ने उसे 10% लोग मानते हैं। कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 23.33% लोग मानते हैं। ये तमाम सारे सवाल हमने पूछे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल, पांचवें नंबर का सवाल, वो सवाल था कि संसद में रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आपकी इस पर राय क्या है? 21.67% लोग मानते हैं कि दिमाग में जहर है। 21.67% लोग मानते हैं समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत है और मर्यादाहीन आचरण है, यह 25% लोग मानते हैं। साथ ही 20% लोग मानते हैं कि आपराधिक हरकत है और 11.66% लोग मानते हैं कि इस मसले पर हम कुछ भी कह नहीं सकते या फिर हमें पता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जिस खबर को लेकर हमने ये सर्वे किया वो खबर यहीं पर खत्म नहीं होती।
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर जहर क्या उगला था, एक बार सुनिए। ठीक है, राज कर रहा नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपने पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जवान, तो ये इस तरह का हो रहा है। बात ठीक है, राज कर रहा नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपने पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जवान, तो ये इस तरह का हो रहा है। बयान और बयान के साथ साथ हंसी भी शोभा नहीं देता है। ऐसे उच्च पदों पर बैठे लोगों को शोभा नहीं देता है। वो लोग जिन्हें लोग कहीं ना कहीं अनुसरण करते हैं, जिनकी बातों को मानते हैं, आप समाज में चिन्हित लोग हैं, क्या ऐसे लोगों को इस तरह के बयान देना चाहिए? चूंकि प्रतिक्रिया कांग्रेस की थी इसलिए जवाब भी बीजेपी से आया और सख्त आया। सुनिए, उदय भान जी का जो वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में आया है उसे देखकर हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बहुत वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इट इज क्रिएटिंग पेन एंड एंग्विश इन द हार्ट ऑफ नॉट ओनली बीजेपी बट ऑल्सो इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉमन मैन। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। इससे पूर्व भी उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 9.5 वर्ष तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जिन्होंने अपने कर्मठता से, निष्ठा से, लगन से पूरे देश को यह संदेश दिया है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। उस प्रधानमंत्री के विषय में विगत लंबे समय से कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बोला है, उनके स्वर्गीय पिताजी के विषय में, उनकी स्वर्गीय माताजी के विषय में, उनके व्यवसाय के विषय में, उनकी जाति के विषय में, टुकड़े टुकड़े करने से लेके मौत के प्रकार से लेके, परंतु आज जिस सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया है वह कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। उधर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की उस पर आपत्ति दर्ज की। हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द कहे, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के हरियाणा प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव हैं। विप्लव जी, पहला रिएक्शन जिस प्रकार से चौधरी उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिर्फ अभद्र टिप्पणी ही नहीं की है बल्कि मजाक भी बनाया। देखिए, ये कांग्रेस के विकृत मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस बहुत पुराने पार्टी है देश की। उस पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से ऐसे अपशब्द निकलेगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यजन्य है। और इससे दुर्भाग्य ये है, उस पार्टी के आला कमान अब तक सोए हुए है। क्या आपको लगता है सोए हुए है? सब लोग, सबको सब कुछ जानकारी है क्योंकि वो लोग ट्वीट में जिंदा है, तो स्वाभाविक तौर पे सोशल मीडिया में सब लोग आजकल हम लोग एक्टिव है। जानकारी होने के बावजूद भी जो शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को संबोधित करके बोला हुआ है, ये शब्द कोई सिविलाइज समाज में नहीं कह सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सोनिया गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से इससे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देश जानना चाहते हैं जो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, जो शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ऊपर किया है, मुख्यमंत्री जी को ऊपर किया है, इसका स्पष्टीकरण आपके माध्यम से आनी चाहिए। और इतने देर तक क्यों नहीं आया उसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जो अपोजिशन के जो पार्टीज के जो लीडर है उनको भी मैं कहता हूँ, आप लोग भी कहाँ हैं, अब तक क्यों नहीं बयान आ रहा है आप लोगों को? देश के जनता ये देख रही है। और अगले जो समय में देश की जनता निश्चित इसका जवाब देगी, जनताओं के पास जवाब देने का समय है, जनता जानती है। कोई समझता है आज उन्होंने ऐसा बोला हम लोग को कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएगा, भूल जाएंगे? जनता भूलने वाले नहीं है, आप लोग भूल जाते हैं, जनता भूलने वाले नहीं है।
इसके साथ ही हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है देश के सर्वोच्च व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़े पद पे बैठे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए और राज्य के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी जितनी निंदा होए वो कम है। और मैं मानता हूं कि ये एक तरीके से मानसिकता और सोच दर्शाती है कांग्रेस पार्टी की और उनके अध्यक्ष की कि किस तरीके से उन्होंने ये बात कही, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए या प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। मुझे नहीं ऐसा याद आता कि कब ऐसा हुआ है कि ऑपोजिशन का स्तर इतना गिर गया है और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी का और प्रदेश अध्यक्ष का कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, इससे पूरा देश आहत हुआ है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत कि 140 करोड़ की आबादी के अंदर 65% लगभग 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं। हमारे राजनेता क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को, कि किस तरह की भाषा और शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सम्मानीय पदों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरीके से बोलना, ये बहुत ही अशोभनीय है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसमें सब लोगों को किसी भी पार्टी से ऊपर उठकर निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। इस देश के राजनेताओं के साथ एक परेशानी है कि जोश में होश खो देते हैं और जब उस पर सख्त टिप्पणी आती है या प्रतिक्रिया आती है तो फिर यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ उदय भान के साथ हुआ है जो कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया और उसके बाद पूरे देश भर से प्रतिक्रिया सख्त आई, लोगों ने आलोचना की। तो किस तरीके से यू टर्न यानी कि सफाई देने की कोशिश की है उसे देखिए। कल पार्लियामेंट में जिस तरह से शब्दों को लेकर जो है बवाल मचा, उसके बाद आज हरियाणा में भी एक बयान जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बयान यमुनानगर में दिया गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से। ऐसे में इस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तलख रुख अपनाए हुए है। मेरे साथ खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यहां पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, एक कल जिस तरह से पार्लियामेंट में हुआ, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई कि ये जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपके बयान को भी अब उसी तरह से लिया जा रहा है कि आपने भी मर्यादा का कहीं भी जो है पालन नहीं किया और आपने भी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी सोच विचार। आप बताइए कौन सा मैंने अमर्यादित शब्द कहा है, कौन सा है जो गाली है, कौन सा है जो इस तरह से जो उनके जो सांसद सदस्य पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं। किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो हमें भाषा का मर्यादा सिखाएंगे। हमने बताइए कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है, कौन सी गाली दी है, क्या भाषा हमने इस्तेमाल की है। राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है, खुद आपके नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इनसे। लेकिन आप आज जिस तरह से बोले, प्रधानमंत्री CM तमाम लोगों के बारे में आपने जो है खुलकर व्यक्तिगत बोला, क्या कह दिया। अगर कोई बात सच्चाई की है तो उसमें आप ये बताओ ना कि आपने ये शब्द गलत कहा। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, हम अपना अपनी मर्यादा समझते हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी की परिपाटी काफी लंबे समय से चली आ रही है। कांग्रेस नेताओं की असभ्य और अभद्र भाषा के बारे में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी क्या थी एक बार इसे गौर से सुनिए। जो देश के लिए काम करता है उसे अपमानित करना, ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया,
फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा।